हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ कट्टू के आटे और मैगी से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए चलते हैं बनाने। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो मैंने सारे मटेरियल्स को ले लिया है। यहाँ मैंने बॉयल आलू लिया हुआ है और यहाँ मैंने मैगी लिया है और कटे हुए दो प्याज लिया है मीडियम साइज के, और यहाँ मैंने हरी मिर्च लिया है, कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ मैंने मैगी मसाला लिया है। तो फ्रेंड्स, एकदम यूनिक तरीके से मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, तो आइए आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने गैस पे पैन रख लिया है, गैस को ऑन कर लिया है, मैंने ऑयल को डाल दिया है पैन में गरम होने के लिए। ऑयल गरम हो चुका है, हमने यहाँ आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा लिया है साबुत। चटक चुका है जीरा और सौंफ, अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। कटी हुई हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, और कटा हुआ प्याज, प्याज को थोड़ा सा गोल्डन भून लेते हैं। जब तक तब प्याज भून रहा तब तक हम आलू को रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आलू को छील रखा है पहले से, आलू ठंडा हो चुका है, अब इसे हम पाव भाजी मिक्सर से मैश कर लेंगे। कोई ये जरूरी नहीं है कि आप आलू को बारीकी मैश करें, टुकड़ों में भी कर सकते हो। यहाँ आलू मैश हो चुका है और लगभग हमारा प्याज भी भुन चुका है, गोल्डन हो चुका है। अब इसमें फटाफट से हम आलू को ऐड करेंगे। मैंने आलू को डाल दिया है, अब आलू को अच्छे से प्याज के साथ में मिक्स कर लेंगे। यह मैंने आलू को मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स, आइए इसमें कुछ मसालों को ऐड करते हैं। यहाँ हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रहे हैं। ध्यान रहे इसमें नमक थोड़ा आप कम ही डालें, क्योंकि जो हम बैटर रेडी करेंगे उसमें भी नमक होगा, इसीलिए हम थोड़ा नमक की क्वांटिटी कम डाल रहे हैं। हल्का सा गर्म मसाला, थोड़ा सा हल्दी, एक चम्मच के करीब अजवाइन, और लास्ट में हम डाल देंगे फ्रेंड्स मैगी मसाला। अब हम सभी मसालों को वापस से मिक्स करेंगे। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम लो रखा है ताकि जो हमारा ये मसाला है अच्छे से भुन जाए। थोड़ा इसे पेशेंस के साथ बनाना पड़ता है, आलू जो है चिपकता है, तो इसे थोड़ा धीमे हाथों से चलाएं, ज्यादा फास्ट ना करें। तो फ्रेंड्स, लगभग हमारा मसाला ये रेडी हो चुका है, इसे हम लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं, फटाफट से आगे की जो प्रोसेसेस है उसे कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया हुआ है जिसमें हम डालेंगे दो पैकेट ये कट्टू का आटा,
सत्तू के आटे का ही हम बैटर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और थोड़ा सा कूटा हुआ अदरक लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च, और सभी चीजों को मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे बैटर को रेडी करने के लिए। बैटर को ज्यादा गाढ़ा ज्यादा पतला नहीं बनाना है, एक मीडियम बैटर रेडी करना है जो कि हमारे पकौड़े में चिपक सके। दो मिनट के लिए छोड़ देते हैं। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, अब थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी डालते जाएंगे और इसे थोड़ा ढीला करते जाएंगे। अभी ये थोड़ा थिक है, इसे थोड़ा और पानी डाल के तो परफेक्ट बैटर रेडी हो गया फ्रेंड्स बनके। इस तरह के हमें बैटर को रेडी करना है। अब इसे हम साइड में रख देंगे, इसे हम साइड करते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 2 पैकेट के करीब मैगी। मैगी को फटाफट से हम मिक्सी बाउल में बारीक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मैगी को इस तरीके से तोड़ रखा है। इस तरह से मैंने कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो फाइनली मैंने सभी चीजों को रेडी कर लिया। आइए चलते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट को बनाने। फ्रेंड्स, यहाँ जो मैंने मसाला बना के रखा है इसे हम हाथों में लेके छोटा छोटा इस तरीके का बॉल्स तैयार करके इसे हल्का सा दबा देंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको बड़ा छोटा जैसा भी पसंद हो आप ले सकते हो। बट मैंने तो मीडियम साइज ही लिया है। थोड़े बनाने में टाइम लगता है लेकिन काफी अच्छा दिखता है बनने के बाद। आप घर पे आए गेस्ट को भी इस तरह से बना के खिलाएं, उन्हें जरूर पसंद आएगा और वो आपकी बहुत तारीफें करेंगे। और आप चाहे तो घर पे भी बना के खा सकते हो। तो सेम तरीके से फ्रेंड्स हम सारे टिक्की रेडी करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने रेडी कर रखा है और मैंने गैस पे पैन में ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम फटाफट से टिक्की को डिप कर लेते हैं। अभी अच्छे से सेट हो चुका है और ये मैगी है, हम इसको इसमें डीप करेंगे पहले इस तरह से और इसको हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। मैंने 4 लग लिया है।
आइए चलते हैं तलने। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बने। अभी स्पेस नहीं है फ्रेंड्स, इतना ही रहने देते हैं। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये आपको देखने में ये बहुत ही क्रिस्पी दिख रहे होंगे ये, और काफी अंदर से सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। आप एक बार बना के घर पे एंजॉय करें। बहुत ही इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी है ये। अभी ये अच्छे से तल चुका है, अब इसे हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। मैगी और कट्टू के आटे से बनी हुई बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इसके ऑयल को हम इसमें ऑयल नहीं रहने देंगे, अच्छे से इसे सेपरेट कर लेंगे ऑयल को। तो आइए फ्रेंड्स सारे पकोड़े को निकाल लेते हैं, पहले डिश आउट कर लेते हैं फटाफट से। तो ये रही फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्व के लिए निकाल लिया है। तो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ये बहुत कुरकुरा बना हुआ है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। आप इसे चाहे तो दही चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बट मैंने तो ऐसे ही इसे लिया है सर्व के लिए, क्योंकि ये काफी ऑलरेडी ये बहुत चटपटा बना हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।